डिज्नी प्लस हॉटस्टार को इंडिया में लॉन्च हुए 3 साल हो चुके हैं और आज ये इंडिया का टॉप स्ट्रीमिंग सर्विस है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के अनुसार। लेकिन चीजें बदल रही हैं। जब हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार बना था तब इसमें डीसी के मूवीज और शोज थे, एचबीओ के मूवीज और शोज थे और आईपीएल भी था। और इन सब के अलावा आपको ऑब्वियसली डिज्नी, मार्वल, स्टार वॉर्स और जितने भी डिज्नी के ब्रांड्स हैं उनका भी कॉन्टेंट इसमें देखने को मिल जाता था। बट कुछ टाइम बाद डीसी के सभी मूवीज और शोज चले गए, उसके बाद आईपीएल के भी राइट्स जियो सिनेमा के पास चले गए एंड फाइनली अब एचबीओ के भी शोज हॉटस्टार से जा चुके हैं। और इन सब रीजंस के कारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्राइबर्स लूज करना स्टार्ट कर चुका है। तो आखिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ हो क्या रहा है और डिज्नी ऐसा कर क्यों रहा है, यही सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डीसी और एचबीओ के शोज का जाना एक बार के लिए समझा जा सकता है क्योंकि इन दोनों को वार्नर ब्रोस ओन करता है, क्योंकि डिज्नी का एक बहुत बड़ा राइवल है। इसके अलावा एचबीओ के शोज के जाने का एक बड़ा रीजन ये है कि एचबीओ वाले बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस बता रहे थे और कुछ एनालिस्ट्स के हिसाब से ये जो प्राइस है, इस प्राइस से इनको खरीदने के बाद इससे प्रॉफिट करना बहुत ही हार्ड होगा क्योंकि आखिर में इंडिया में एचबीओ के व्यूअर्स काफी कम है, तो उतने हाई प्राइस पे उसको खरीद के प्रॉफिट करना बहुत ही हार्ड है। इसलिए प्रोबेबली अभी तक किसी दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विस ने एचबीओ के राइट्स को खरीदे नहीं है। बट अगर हम एचबीओ को हटा भी दें तो यहाँ पे जो आईपीएल का जाना है ये कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का इतना सक्सेसफुल होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है आईपीएल। और आईपीएल के ही कारण कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते होंगे कि आईपीएल तो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन अब तो आईपीएल जियो सिनेमा के पास जा चुका है और इसी कारण लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार से, खासकर अब जब लोग मार्वल के कंटेंट से धीरे धीरे बोर होते जा रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले चाहते हैं कि वो सब्सक्राइबर्स लूज करें, है ना? नहीं, असल में डिज्नी चाहता है कि हॉटस्टार सब्सक्राइबर्स लूज करें और ये डिज्नी की नई स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। जब डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ था ग्लोबली तो उसका मेन स्ट्रेटेजी ये था कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करें, और डिज्नी प्लस एक्चुअल में बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डिज्नी प्लस के टोटल सब्सक्राइबर्स का एक बड़ा हिस्सा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स थे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो प्राइस है वो डिज्नी प्लस के प्राइस के मुकाबले बहुत ही कम है, और इसी के कारण एवरेज रिवेन्यू पर यूजर यानी कि वो अमाउंट जो एक कंपनी एक यूजर से कमाती है ऑन एवरेज, वो बहुत ही कम है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के केस में। तो थर्ड पार्टी कंटेंट जैसे कि एचबीओ और आईपीएल पे स्पेंड करके डिज्नी अपने सब्सक्राइबर्स तो बढ़ा ले रहा था, लेकिन पैसों के मामले में डिज्नी को लॉस ही हो रहा था। और इसलिए डिज्नी की नई स्ट्रेटेजी ये है कि वो सब्सक्राइबर नंबर्स को छोड़कर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगा और इसी के कारण डिज्नी कॉस्ट कटिंग कर रहा है यानी कि पैसे बचा रहा है जहां भी पॉसिबल हो पाए। आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं तो डिज्नी ने उनको छोड़ दिया, और एचबीओ के भी राइट्स बहुत ही एक्सपेंसिव थे तो डिज्नी ने उनको भी छोड़ दिया। और एचबीओ अपने प्राइस कम नहीं करेगा तो पता नहीं कोई दूसरा स्ट्रीमिंग सर्विस को लेने को तैयार होता है या फिर नहीं। और इस कॉस्ट कटिंग के अलावा आखिर में डिज्नी ये भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके स्ट्रीमिंग सर्विस में उसका कॉन्टेंट देखने को आए, यानी कि डिज्नी के खुद के मूवीज, मार्वल, स्टार वॉर्स, नेशनल जियोग्राफिक और बाकी जो भी डिज्नी के ब्रांड्स हैं। तो डिज्नी चाहता है कि लोग ये सब देखने के लिए उसके स्ट्रीमिंग सर्विस पे आए और ना कि थर्ड पार्टी कंटेंट जैसे कि आईपीएल। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए और डिज्नी के पास खुद का कोई स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है और उसको किसी भी थर्ड पार्टी से स्ट्रीमिंग लाइसेंस खरीदना ही पड़ेगा अगर वो स्पोर्ट्स दिखाना चाहता है अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पर। और मे बी इसी के लिए डिज्नी WWE को खरीदना चाहता है। रिसेंटली ही डिज्नी के करंट CEO और WWE के CEO मिले थे और डिज्नी के जो CEO हैं बॉब आइगर वो जाने ही जाते हैं कंपनीज को खरीदने के लिए, तो मे बी डिज्नी WWE को खरीद ले और इससे उसको खुद का एक स्पोर्ट्स ब्रांड मिल जाए और डिज्नी के ब्रांड में स्पोर्ट्स भी ऐड हो जाए। लेकिन ये पक्का नहीं है क्योंकि और भी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं WWE को खरीदने के लिए। तो डिज्नी की ये सब कॉस्ट कटिंग से ऑब्वियसली डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्राइबर्स लूज करने वाला है और ऑलरेडी कर भी रहे हैं, बट एग्जैक्टली कितना करता है ये हमें अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि मोस्ट लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार को पूरे साल भर के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो उतने जल्दी इम्पैक्ट पता नहीं चलता। हालांकि इस सब्सक्राइबर लॉस के बाद भी मुझे नहीं लगता कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार इमीडिएटली बहुत ही नीचे गिर जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि Z5 और सोनी लिव ये सबसे भी नीचे गिर के एकदम लास्ट ही हो जाएगा, क्योंकि जिनको अभी भी मार्वल कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है, जो डिज्नी और स्टार वॉर्स के फैंस हैं, उनके लिए अभी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक कमाल का स्ट्रीमिंग सर्विस है। और मुझे नहीं लगता कि
डिज्नी फैंस की संख्या कम है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इस सब्सक्राइबर लॉस के बाद भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार टॉप में ना भी रहे तो एटलीस्ट टॉप 2 में तो रहेगा ही नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियंस हैं आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।